हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. तो बच्चों, आज आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, आपका हार्ट कैसे दिखता है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो. दो काम तो ज़रूर करना है, और अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल जरूर लेके बैठेंगे. ठीक है. हाय शफान, हेलो रोशनी, हाय गौरव, हेलो सन्नी रेड्डी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम योर नीड बायो एडुकेटर. और बच्चों, एक टेलीग्राम चैनल है जिसको जरूर से ज्वाइन करना है. ये टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक का अपना चैनल. अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम याद रखेंगे, डॉक्टर साक्षी बरनवाल, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. ओके, चलिए. हाय नैना, गुड मॉर्निंग बच्चे. तो आज लिम्फेटिक सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कल हमारा रह गया था, दैट इज क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ठीक है, कैसे आपका ब्लड क्लॉट होता है, कैसे आपका कोएगुलेशन होता है, राइट, इसके बारे में बात करने वाले हैं. हाय मलिक, हेलो गोविंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ब्लड कोएगुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन सिस्टम को कल हमने थोड़ा सा इनिशिएट किया था कि जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा कोएगुलेशन कुछ देर बाद हो जाता है, वो ब्लड बहना रुक जाता है, राइट. ऐसा नहीं हमेशा ब्लड बह ही रहा है, राइट. ये ब्लड बहना क्यों बंद होता है? देयर इज अ कोएगुलेशन सिस्टम, देयर इज अ क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ड है, इन ब्लड सेल्स के अंदर इनबिल्ड है, जो एक दूसरे को मैसेज देके ये पूरा आपका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड कोएगुलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, चलिए देखते हैं. ठीक है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को आपके प्रिवेंट करता है. जिस ऑर्गेनिज्म में, जस्ट लिविंग बीइंग में आपका ये सिस्टम आपका फेल हो जाता है या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसमें उनके एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज हो जाती है जो कि आपके इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म को आपके ओवर पावर कर देगी, इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को पूरा नहीं होने देती है. दैट इज वन ऑफ द डिजीजेस, हीमोफीलिया. ठीक है, उनमें से एक डिजीज है हीमोफीलिया, जो कि बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग करता है. आपका ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम पूरी तरह से हो ही नहीं पाता, क्योंकि कोई ना कोई स्टेप उसमें से मिसिंग होते हैं. नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, दैट इज हेपरिन, जो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं. दूसरा है एंटी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, बट मोस्टली हमसे हेपरिन ही पूछा जाता है, इस लेवल पे हमको नहीं पढ़ना है. ठीक है, हेपरिन या फिर उसको एंटी प्रोथ्रोम्बिन बोल सकते हैं. तो हेपरिन इज द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. ठीक, हेपरिन हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे वेसल्स में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, जिसके कारण ब्लड फ्लो बहुत इजीली होता है हमारे बॉडी के अंदर. लेकिन वैसे जैसे ही ये ब्लड बाहर आता है बॉडी के, इसमें आपके कोएगुलेशन हो जाता है, क्योंकि हेपरिन इज एब्सेंट देयर, राइट. तो कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, चलिए देखते हैं. ठीक है, यस, क्वींस डिजीज होता है हीमोफीलिया, बिल्कुल सही बात है. ये क्वीन एलिजाबेथ के फैमिली में था. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रितेश, बिल्कुल सही आयुष. हाय हाय, हेलो दीपाली, हाय शाहिद, हेलो क्यूट लवली, हेलो इनोसेंट बॉय, जोहान, जेरी गेमिंग, यस, गुड मॉर्निंग. तो रेडिश ब्राउन स्कम, जब आपका ब्लड जम जाता है किसी जगह, तो वो रेड कलर का तो एग्जैक्टली नहीं होता, इट इज वेरी डार्क कलर. ठीक है, डार्क ब्राउनिश कलर होता है. ठीक है, जिसको हम स्कम कहते हैं, जो कट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, कट के ऊपर डिपॉजिट होता है, कई बार आप खिलवाड़ खिलवाड़ में उसको निकालने भी लगते हो कि यार बहुत मोटा सा जम गया, इसको निकाल देते हैं, लेकिन उसको हील करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो धीरे धीरे हील होगा और अपने आप को शेड आउट कर देगा. बट हमें क्या रहती है, हमें रहती है परेशानी, हम लगते हैं उसको नोचने, हम लगते हैं उसे उखाड़ने, राइट. वो किसका डिपोजिशन है, वो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है किसकी मदद से, नेटवर्क ऑफ थ्रेड की वजह से, जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं. ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स आपके इंटेंगल हो जाएंगे, जिसके कारण वो स्कम फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण उसमें प्लेटलेट आके आपके फंस जा रहे हैं और क्लॉटिंग को पूरा करवा रहे हैं. ये वाली लाइन जो है एनसीईआरटी की है, और ये लाइन आपकी नीट 2022 में पूछी गई है इन
मल्टीपल वाले क्वेश्चन जो आए थे ना, लॉन्ग क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, उसमें से एक स्टेटमेंट गलत चुनना था, जिसमें से ये लाइन आपकी गलत थी। यहाँ पे फाइब्रिन की जगह आपके दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जिसमें अब आपको स्टेटमेंट तक याद करने पड़ेंगे, मतलब स्टेटमेंट याद तो नहीं, एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रिन होगा या कुछ और होगा, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, फाइब्रिन आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि आपके आके नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनाएंगे, जिसमें आपके ब्लड प्लेटलेट्स एंटैंगल हो जाते हैं। पूरा मैकेनिज्म कैसे समझना है हमें, पूरा मैकेनिज्म ऐसे समझना है हमारे, जैसे ही हमें चोट लगती है, ध्यान से सुनना, ये मत देखो, आई एम टेलिंग यू, लिसन टू इट, ठीक है। जैसे ही हमारे हमें चोट लगती है, हमारे जो आपके कट लगा है, जो अफेक्टेड एरिया है, वहां से आपके एक कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है, एक आपके प्रोडक्ट रिलीज होगा, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं। दिस इज एन एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस आपका रिलीज होगा, वो जाके आपके इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो ये थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा कैल्शियम की प्रेजेंस में। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में आपका कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना, कैल्शियम की कमी हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। इट्स नॉट ओनली दी बोन विच नीड्स कैल्शियम, हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी गड़बड़ हो जाएगा अगर कैल्शियम कम हुआ तो, ठीक है। थ्रोम्बिन बनने के बाद वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन भी एक तरह का आपके एक्टिवेशन पॉइंट बनता है, जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये फिब्रिन आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं, कुछ इस तरह के ऐसे बिछ जाते हैं आपके वूंड एरिया में, और इसमें आके प्लेटलेट आपके फंस जाएंगे, प्लेटलेट्स आके फंस जाते हैं, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? क्लॉट फॉर्मेशन कराते हैं, हेंस द क्वागुलम या क्लॉट इज फॉर्म्ड, क्वागुलम या क्लॉट इज फॉर्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताइए, यस, जो मैं पढ़ा रही हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताइए, जल्दी बताओ, रिपीट कर दीजिए। जब भी हमें वूंड लगता है, किसी तरह की चोट लगती है, तो एंजाइम निकलता है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। देखो, कट लगा, कट से निकला थ्रोम्बोकाइनेस, क्या निकला बच्चों? थ्रोम्बोकाइनेस, नोट कर लो। चलो, थ्रोम्बोकाइनेस का काम क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम। इसका काम क्या है? ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। अब थ्रोम्बिन जब आपका एक्टिवेट होगा, तो ये दूसरा रिएक्शन कराएगा, इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि आपका क्लॉट फॉर्मेशन कंप्लीट कराएंगे। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर नाउ? यस। चलिए, ठीक है रितेश, क्लियर हो गया? यही आपको मैकेनिज्म अभी याद रखना। वैसे क्लॉटिंग मैकेनिज्म काफी लंबा है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो कि आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं हर एक लेवल पे, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे, इतना अभी आप जान लोगे आपके लिए बहुत है, ठीक है। चल, व्हेन बॉडी टिश्यूज आर इंजर्ड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट बिगेन्स एंड द ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज, जो हमारे बॉडी के प्लेटलेट्स होंगे वही रिलीज करते हैं एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट नोन एज? थ्रोम्बोकाइनेस का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज, कम ऑन एवरीवन, एक ही नाम है जो आपसे आपको नहीं सुनाई दिया अभी तक, इट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, विच इज अनदर नेम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, इज इट क्लियर? चल, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यस। चल, हाय जिद्दी बॉय, ओहो,
नाम भी ऐसे रखते हो तुम लोग। इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसीज आर फॉर्मड इन, चलो जल्दी बताओ। इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसीज आर फॉर्मड इन, ये कल मैंने बताया था आपको। डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी कहाँ बन रहा है, क्योंकि उनमें अभी बोन मैरो नहीं बना है। नहीं, स्प्लीन इज नॉट, स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां तो बनेगा तो कभी नहीं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यहां दफन होता है आरबीसी, यहां आरबीसी दफन होता है। अरे भाई एम्ब्रियो में बोल रहा है अकलमंदो, सारे बी लगे हुए हो, एम्ब्रियो में बोन मैरो बन जाएगा, बताओ। इट इज लिवर, इट इज लिवर, ठीक है। लिवर में आपके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है जब तक आपका बोन मैरो फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो में अभी सब चीज तो डेवलप कर रही है, बोन मैरो तो बहुत दूर की बात है, अभी थाइमस ही सारा फंक्शनिंग कर रहा होता है लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में, बोन मैरो तो बहुत लेट में बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएंगे लिम्फ पे। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड से ही छन के बन रहा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम क्या है, इसके बहुत सारे फंक्शन है। क्यों आपके फ्लूइड को ब्लड से अलग किया गया, क्या मैम ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी, या क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से लिम्फ को एक अलग आपके वेसल्स में फ्लो कराया गया। लिम्फ का बहुत मेजर रोल होता है जो कि ब्लड इकलौता नहीं कर सकता, तो ब्लड को कुछ न कुछ एक टुकड़ी ऐसी चाहिए थी, स्पेशल टुकड़ी होते ना आपके, जब आर्मी होती है आर्मी में एक स्पेशल ग्रुप होता है, स्पेशल फोर्स होती है जो कि आपका स्पेशल काम करती है, वही काम हमारा लिम्फ करता है। जो काम ब्लड नहीं कर पाता, ब्लड भले ही हर जगह सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो काम ब्लड नहीं कर पाता वो लिम्फ से करवा लेता है। क्या, चल तू जा, तू अपना काम पूरा करके आ, फिर हमसे मिल जाना, राइट। तो अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इट इज दैट फ्लोट्स इन द वेसल्स नोन एज लिम्फ वेसल, दैट फ्लोज इन अ वेसल नोन एज लिम्फ वेसल। अब लिम्फ होता क्या है, लिम्फ ब्लड से ही बन रहा है, ब्लड ही चल रहा है, ठीक है। जब ब्लड आपके टिश्यू लेवल पे पहुंचता है, सेल लेवल पे पहुंचता है, ठीक है, तो सेल के अंदर जाने के लिए उसके पास कैपिलरीज नहीं होती, सेल के अराउंड कैपिलरीज होती है, समझना इस बात को, सेल के अराउंड कैपिलरीज होती है, सेल के अंदर कैपिलरी नहीं जाएगी, क्योंकि कैपिलरी खुद ही एक सेल थिक होती है केवल, ठीक। तो जब कैपिलरीज में कैपिलरीज से ब्लड आपका सेल में एंटर करता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपका बाहर रह जाता है उनको कवर करने के लिए, उनको आपके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहीं से छन के आपका जो टिश्यू फ्लूइड है बनता है क्या, लिम्फ सिस्टम, ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम बनाता है, लिम्फ बनाता है। तो बेसिकली अगर ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट अलग कर दिया जाए, यानी बचा क्या, बचा WBC और लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, इसके अलावा और क्या बना, प्लस आपका प्लाज्मा, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। एक तरह से अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ सीरम है, काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली, ये चीजें अगर माइनस कर दिया जाए तो ये बनाएंगी लिम्फ। क्या बनाएंगी बच्चों, लिम्फ का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ब्लड सेल होगा, एक ही तरह का ब्लड सेल होगा, दैट इज WBC, ना प्लेटलेट होगा, ना आरबीसी प्रेजेंट होगा, ना हाई मॉलिकुलर वेट वाले प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस। चलो अब लिम्फैटिक सिस्टम देखते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम में दो तरह के आपके लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जो मिलके लिम्फैटिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम में भी बहुत सारे वेसल्स रन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके रन करते हैं, वैसे लिम्फैटिक सिस्टम भी बहुत सारे वेसल्स से पूरे बॉडी में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट है जो कि इंटरस्टीशियल फ्लूइड, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, उनको कलेक्ट करके ले जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ और मेजर वेन में वापस से ड्रेन कर देता है। अगर ये टिश्यू फ्लूइड से छन के बन रहा है तो इवेंचुअली ये कहाँ मिलेगा, आपके वेन्स में जाके मिलेगा। बेसिकली ये
आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेलुलर लेवल पे अलग होगा और फाइनली जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके मिलता है। क्लियर है? एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम हड़बड़ी में नहीं चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लिम्फैटिक वेसल्स हर टिश्यू में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट दो मेजर एरिया है जहां पे आपका लिम्फैटिक सिस्टम नहीं होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कोई लिम्फैटिक वेसल सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है आपके कॉर्निया, कॉर्निया आपके आईज की, यहां पे कोई लिम्फैटिक सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। तो दीज टू प्लेसेस देर इज नो लिम्फैटिक वेसल्स, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन याद रखना है, और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज आस्ट, ठीक है। साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन तो सब लोग पूछता ही पूछता है, ठीक। यहां तक समझ में आया कि कैसे बन रहा है लिम्फ, कैसे छन के निकला और कहां जाके मिल गया? जल्दी बताए, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉर्निया। हाँ जी, चल अब हम आएंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। भाई पूरा सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है लिम्फैटिक वेसल्स के, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत है, जो कि जगह जगह पे इनको चेक कर रहे हैं, जगह जगह पे कलेक्शन ऑफ WBC कर रहे हैं। क्योंकि लिम्फोइड ऑर्गन का एक बहुत मेजर काम होता है, दैट इज इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करना। क्यों होता है ऐसा बेटा? व्हाई इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम लिम्फोइड ऑर्गन का भी होता है बेटा। बायो में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होते हैं, एक्चुअली बहुत होते हैं, वहां पे तो हर लॉ के एक्सेप्शन होते हैं। कौन सा व्हाई लिम्फोइड ऑर्गन आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन योर इम्यूनिटी सिस्टम? इसका आंसर सबको पता है, फटाफट बताओ। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके पास एक ही बॉडी सेल है, दैट इज एक ही ब्लड सेल है, सॉरी एक ही ब्लड सेल है, दैट इज WBC। और WBC ही हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी को चेक करता है, राइट। चलिए, तो दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पे आपके ये लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? इनको बनाना, इनको मैच्योर करना, ठीक है। इनके पूरा मशीनरी जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दैट इज प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम, दैट इज प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जो इनको स्टोर कर रहे हैं, जब जरूरत होगी तो मॉडिफाई कर रहे हैं, जब जरूरत हो रही है तो अटैक करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपका एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरा स्टोर हाउस है। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और थोड़ा सा बेटा मेरे साथ इंट्रैक्शन रखो, ताकि आप भी इंट्रैक्ट करोगे ना तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको हमेशा क्वेरी मिलेगी, और आपको पूछने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा, ठीक है। चल, ये ह्यूमन हेल्थ में भी है, डेफिनेटली है, ठीक है, डेफिनेटली है। हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्शन होने के कारण वो क्वेश्चंस आपके मर्ज करके तब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही आपको याद रखना है, जब आपसे बोला जाता है माइंड मैप बनाओ, तो माइंड मैप में आपको जितना भी पॉइंट किसी भी टॉपिक का याद आता है, चाहे वो इस चैप्टर से हो, चाहे वो आप अगले चैप्टर से पढ़े, यू हैव टू नोट इट डाउन। उसी से आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। यही आपको याद रखने में मदद करता है चीजें। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो है और थाइमस है। क्या है बच्चों? बोन मैरो है और थाइमस है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है, जो कि ये लिम्फोइड ऑर्गन के फॉर्मेशन में मदद करती है। दूसरा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फ नोड्स होते हैं जो जगह जगह में हमारी बॉडी में, हमारा टॉन्सिल भी एक तरह का लिम्फ नोड है, ठीक है। हमें हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है तो मम्मी कहती है अरे टॉन्सिल बढ़ गया होगा। टॉन्सिल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो गया है, WBC एक्टिवेट हो गया है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन वहां पे देखा जाता है, ठीक है। स्प्लीन भी एक तरह का लिम्फोइड ऑर्गन है, और टॉन्सिल्स आपके हैं ही लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। दीज आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
टॉन्सिल आपके माउथ के अंदर होते हैं, बकल कैविटी में होते हैं, राइट? दैट इज टॉन्सिल, दैट इज टॉन्सिल। लिम्फैटिक वेसल की बात करें, लिम्फैटिक वेसल की बात करें तो आपके यहां पे नेक एरिया में, ठीक है, मैंडिबल के नीचे, इन सब जगह पे लिम्फैटिक वेसल्स आपके लिम्फैटिक नोड से कनेक्ट करते हैं। लिम्फ नोड अलग अलग जगह, आर्मपिट एरिया में, ठीक है, आपका सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये सारे भी लिम्फ नोड होते हैं। थाइमस आपके हार्ट के जस्ट पीछे की तरफ होता है, हार्ट के पास रहेगा, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। अडल्ट में ये डीजनरेट धीरे धीरे कर जाता है क्योंकि पूरा फंक्शनिंग बोन मैरो ले लेता है। स्प्लीन आपके प्रेजेंट होता है, आपका स्प्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। अपेंडिक्स है आपके लॉन्ग इंटेस्टाइन में, ठीक है, और फिर आपका बोन मैरो है लॉन्ग बोन्स में। ये सारा सिस्टम आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स में आता है, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में आता है। क्लास 12 की बायो कब से स्टार्ट होगा? बेटा क्लास 12 की बायो भी मैम ने बहुत सारा पढ़ा दिया है, ठीक है, बाकी मैं और सेशंस आपके अब 3 बजे से शुरू करूंगी, मोस्टली इस मंडे से, ठीक है, डोंट वरी रितेश, वो भी होगा आपका। उसमें भी हमने जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हमने जेनेटिक्स कंप्लीट किया, हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, यस, 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हमने वहां पे, ठीक, चलो। और आज 3 बजे क्लास 12th का ही टॉपिक है मेरा, ड्रग अब्यूज एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या होता है? बी और टी सेल प्रोड्यूस करना, यानी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना, लिम्फोसाइट को बनाना। हमारे बोन मैरो में हिमाटोपोएटिक सेल, स्टेम सेल होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, क्योंकि वो स्टेम सेल्स हैं। जब ये आपके रेड बोन मैरो में प्रेजेंट रहेंगे तो ये बी सेल और प्री टी सेल बनाते हैं जो कि आगे मैच्योर होके आपके लिम्फोसाइट्स, मैच्योर होके लिम्फोसाइट्स, प्रॉपर लिम्फोसाइट बनाएंगे। और ये मैच्योरिटी कहाँ करते हैं? थाइमस में, ठीक है, थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। दोनों ही आपके लिम्फोसाइट्स हैं जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक का काम है एंटीबॉडी बनाना, दूसरा काम क्या करता है? साइटोटॉक्सिक है, डायरेक्टली आपके जो फॉरेन बॉडी होते हैं उन पे अटैक करता है, ठीक है, उनको आपके खा जाता है, ठीक है। ये आपके क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन का फॉर्मेशन है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, क्लियर है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में आपके इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलिए, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये पूरा तो नहीं दिया हुआ है, हाँ आज ड्रग अब्यूज है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज 3 PM पे कराएंगे वो, ओके। फंक्शन ऑफ लिम्फ, हमने अभी तक देखा हमारा लिम्फ मेजरली किसमें इन्वॉल्व है? बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यूनिटी को आपके कंट्रोल करने में, इम्यूनिटी को मेंटेन करने में आपका लिम्फ इन्वॉल्व है, पहला फंक्शन। इसके अलावा क्या लिम्फ का कोई फंक्शन होता है? लिम्फ के बहुत फंक्शन, सिर्फ इतने से काम के लिए लिम्फ को अलग नहीं किया गया, इनको असाइन किए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम जो कि नॉर्मली बॉडी में नहीं हो पा रहे। जैसे हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, याद करना, कोई भूल रहा होगा तो मुझे बताना, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमारे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट आपके माइसील फॉर्मेशन किए थे, फिर काइलोमाइक्रॉन बने, राइट? तो हमारे इंटेस्टाइन में आपके क्या थे? लैक्टियल्स थे, लिम्फैटिक टिश्यू का सप्लाई था, लिम्फैटिक वेसल्स का सप्लाई था, राइट, जो कि इन फैट मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली लिम्फ का काम एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि फैट को डिकम्पोज करने में, फैट को कैरी करने में मदद करता है, उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। तो लिम्फ आपका कैरियर की तरह यूज होता है, न्यूट्रिएंट हार्मोन्स को भी कैरी करता है। दूसरा, फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है लैक्टियल्स के थ्रू, रिन्यूअल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से छन के बनता है तो हर समय नया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेस होता रहता है और रिन्यू होता रहता है। हेल्प्स इन कीपिंग द टिश्यू मॉइस्ट, क्योंकि ये टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट रहेगा तो डेफिनेटली उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। एंड टी और बी लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में मदद करता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ. दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ. एम आई क्लियर? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लिम्फ. एम आई क्लियर और नॉट? बताइए. यस, एनी वन, एनी डाउट? कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैम थोड़ा सा ऊपर से चला गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो बता दीजिए. कुछ भी, एनीथिंग. क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है बच्चों. यस, आई गॉट यस ओनली फ्रॉम सिक्स पीपल. सिक्स पीपल, आई नीड मोर यस. सबको समझ में आना चाहिए यार. एक दो, सिर्फ छह बच्चों को थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ, सबको पढ़ा रही हूँ ना. रिप्लाई करो करो, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा. फिर से क्या बता दीजिए, ये तो बता दो. पूरा चैप्टर फिर से तो नहीं बताएंगे ना बेटा, टॉपिक तो बताओ. क्या नहीं समझ में आया ये भी आपको बोलना पड़ेगा ना बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, या कहां कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, या कौन सा पॉइंट आपका मिस आउट हो गया है. बताइए दैभाग्य. जब मैम पूछती है क्लियर है या नहीं, उसमें भी भाग जाते हो, गजब हो तुम लोग. तुम लोग को रियलाइज होता है कि मैम एक्चुअली तुम्हारे भले के लिए पढ़ा रही है, अपने भले के लिए नहीं. मुझे वापस से नीट नहीं क्रैक करना है. मैं क्या करूंगी नीट क्रैक करके, मुझे जो बनना था मैं बन गई. अब वापस से नीट क्रैक करके दोबारा थोड़ी ना डॉक्टर बनूंगी. तो तुम्हारे ही भले के लिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे. फंक्शन ऑफ लिम्फ. फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है? कैरियर है, यानी कि लिम्फ जब फ्लो करता है वेसल्स में, तो ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट कैरी करता है, बहुत सारे हार्मोन्स कैरी करता है, जो कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है ब्लड के, राइट? दूसरा, फैट का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल्स के थ्रू आपका लिम्फ करता है. तो फैट एब्जॉर्प्शन को इजी सिंप्लीफाई करने में लिम्फ मदद करता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड होता है आपके सेल्स के अराउंड, टिश्यू के अराउंड, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा फ्लूइड आपके निकल जाता है, वहीं से आपका लिम्फ बनता है. और जैसे जैसे लिम्फ बनते जाता है, रिसाइकल होने लगता है, नया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसको रिप्लेस कर देता है. इसके अलावा जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो ये टिश्यूज को मॉइस्ट करेगा, उनको नमी देता है, वेटनेस देता है, ताकि वो वाइटल रहे, ठीक है. और बी और टी लिम्फोसाइट को बनाने में मदद करता है, उनके मैच्योरेशन में मदद करता है, बाय द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है. क्योंकि लिम्फ ही एक ऐसा आपके टिश्यू, आपका ऐसा वेसल है, लिम्फी ऐसा फ्लूइड है, जो सारे लिम्फोटिक ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है. चलो क्वेश्चन करो फटाफट से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्ट एज प्राइमरली एज अ फैक्टर फॉर डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिम्फ ट्रैवलिंग थ्रू मेजर लिम्फ वेसल, ठीक है. पहला प्राइमरी फिल्टर कौन बनता है इनमें से? प्राइमरी फिल्टर, जो फिल्टर आउट करेगा आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फ में आया तो. कम ऑन एवरीवन, हमारे बॉडी में अगर पहली बार कोई इंफेक्शन है, कुछ भी एंटर किया, सबसे पहले वो एनकाउंटर किससे होता है? इट विल एनकाउंटर, नहीं, थाइमस नहीं करेगा. थाइमस मैच्योरेशन करता है बेटा, तो बहुत देर में आएगा इसका नंबर. नो, टॉन्सिल अपेंडिक्स दोनों ही लिम्फ, आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो एक को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इट इज लिम्फ नोड. लिम्फ नोड है जो पहला आपके डिटेक्शन करता है, क्योंकि ये तैनाती इसलिए है कि जैसे ही कोई चीज एंटर करे, कोई ऐसी चीज जो फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको फिल्टर करने का काम लिम्फ नोड का होता है, ठीक है. बनाने का काम नहीं, मेंटेनेंस का काम लिम्फ नोड करता है, ठीक है. चल अब आएंगे सर्कुलेटरी पाथवेज पे. वेलकम टू सर्कुलेटरी पाथवेज.
दो तरह के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। कैसे होते हैं बच्चों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? देयर इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? इज इट ओपन और क्लोज्ड? हाँ जी बताइए जल्दी। डू वी हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? वी हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड वॉट डज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लोज बिकॉज ऑफ कैपिलरीज। यस टू एन एक्सटेंट यू आर करेक्ट, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें सारे वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ब्लड हमेशा वेसल्स में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है? चाहे वेसल छोटा हो रहा है चाहे बड़ा हो रहा है, बट वेसल्स ही रहेगा। चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वेन हो, चाहे वो वेन्यूल हो, चाहे वो कैपिलरी हो, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल। लेकिन वही अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है? हाँ, लिम्फ नोड इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है गीता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इसमें भी ब्लड वेसल होते हैं, लेकिन एक सीमित आपके आपके सीमित डिस्टेंस तक, ठीक है? एक समय के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। यानी कि इसमें इवेंचुअली जो ब्लड होता है वो बॉडी कैविटी में ओपन होता है, बॉडी कैविटी में ओपन होता है, ठीक है? वेसल्स इसके पास भी है लेकिन बहुत थोड़ी दूर तक, उसके बाद बॉडी कैविटी में ही पूरा ब्लड ओपन हो जाता है, ठीक है? चलो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। अगर हम फर्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले देख लेते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है? लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इसमें ब्लड जो पंप करने वाला होता है वो हार्ट ही होता है। हार्ट इनके पास भी है, दिल है भाई, ऐसी बात नहीं है, दिल इनके पास भी है, ठीक है? इसलिए इनके किसी भी जानवर के साथ गलत नहीं करूं, क्योंकि दिल उनके पास भी है, दिल सबके पास होता है, ठीक है? इस पास थ्रू वेसल्स इनटू अ स्पेसेस और बॉडी कैविटीज नोन एज साइनसेस। दिल है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है और दिल आपके ब्लड को आगे भी बढ़ा रहा है, लेकिन इवेंचुअली वेसल से होते हुए वो बॉडी कैविटी में ओपन हो जाएगा, क्योंकि इतना आगे तक वेसल नहीं जाता। एक एक आपके ऑर्गन को पहुंचाने के लिए कैपिलरीज नहीं होती उसके पास, तो वो बॉडी कैविटी में ओपन होता है। जो जो ऑर्गन्स वहां पे होते हैं सब नहा लेते हैं ब्लड में, सब एक्सचेंज कर लेते हैं अपने से, कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद से कर लेंगे, ठीक है? भले ही टू और वो अलग है ना मैम, हाँ थ्रू टू थ्री फोर चैम्बर में हम बात करेंगे, ठीक है? अभी हमें ये समझना दिल सबके पास होता है, ठीक है? तो दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम देयर द ब्लड इज कलेक्टेड बाई लार्ज वेन्स विच ओपन इन टू द हार्ट। तो हार्ट से पहले आपके आर्टरी लेके जाती है और बॉडी कैविटी में ओपन कर देती है कि सारे ऑर्गन्स नहा लें, जिनको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ले ले, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और जब आपका नहा चुका है, ऑक्सीजन आपके एक्सचेंज कर लिया है, CO2 दे दिया है, तो आपके वेन्स उसको कैरी करके वापस ब्लड तक ले आते हैं और ब्लड में वापस से वो पंप होता है, ठीक है? हार्ट तक ले आते हैं, सॉरी ब्लड तक नहीं, हार्ट तक ले आते हैं। इन दिस सिस्टम ब्लड डज नॉट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोले तो हीमोग्लोबिन, ठीक है? जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि इनमें नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि इनको ऑक्सीजन एज सच कैरी करके एक एक तक पहुंचाना नहीं है, वो तो खुलेआम जा रहा है, ठीक है? डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, जो कि आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में देखा जाता है। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में देखा जाता है। आर्थ्रोपोड में कौन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा? दैट इज कॉकरोच। और इनका ब्लड कैसा होता है? इनके पास हीमोलिम्फ होता है, एज सच ब्लड नहीं होता है, हीमोलिम्फ होता है, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनका ब्लड ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस। चल, नो कैपिलरी सिस्टम इज फाउंड इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई कैपिलरी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा है,
ठीक है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत वैरायटी ऑफ है, ठीक है, वैरायटी है, ऐसी बात नहीं है कि एक ही चित्र का बताएंगे और हो जाएगा काम, नहीं, वैरायटी है भाई, ठीक है, वैरायटी की बात करेंगे। लेकिन क्लोज से एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि हमारे पास हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो कर रहा, कभी भी बॉडी कैविटी या लार्ज साइनस स्पेसेस या लार्ज बॉडी स्पेसेस में ओपन नहीं होगा, खुले में हम कभी भी अपना ब्लड नहीं छोड़ेंगे, हम अपने ब्लड को एक एक वेसल्स में ही फ्लो कराएंगे, ठीक है, दैट इज योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे भी पंप कौन कर रहा है, दिल, ठीक है, कौन कर रहा है बच्चों, दिल, तो दिल तो हम सबके पास होता है, ठीक है, दिल कर रहा है, इट इज नेवर प्रेजेंट इन लार्ज स्पेसेस और साइनसेस, जो कि एनलेट्स और कॉर्डेट्स में देखा जाता है, ठीक है, जो कि एनलेट्स और कॉर्डेट्स में देखा जाता है, ठीक है, एनलेट्स एंड कॉर्डेट्स। एनलेट्स की बात करें तो कौन है भाई, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म होता है, राइट, इज इट क्लियर, यस, चलिए, क्वेश्चन 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 क्या है भाई, क्वेश्चन, चलिए फटाफट से बताना है। एनलेट्स एंड कॉर्डेट्स हैज एनलेट्स एंड कॉर्डेट्स हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बात है, लव, ऋषभ, आयशा, संधि रेड्डी, दैभाग्य, पूजा, रितेश, क्रिएशन, क्या बात है, इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सलमान खान भी है हमारे पास, बहुत बढ़िया, तुम काफी बड़ी पर्सनालिटी को पढ़ाने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे हार्ट पे, कितने बच्चे हार्ट को हर्ट कहते हैं बताओ, कितने बच्चे, बहुत सारे लोग हार्ट को हर्ट कहते थे पहले, तो इट्स हार्ट, हर्ट की स्पेलिंग HURT होता है, तो हार्ट में हर्ट होता है बट हर्ट में हार्ट नहीं होता है, समझ गए, नहीं समझे कोई बात है, समझने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है, इट इज पंपिंग ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, हर वर्टिब्रेट के अंदर एक मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है, मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है, कितने चैम्बर्ड का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तीन तरह के हार्ट होते हैं, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड, ठीक है, जिनके पास टू चैम्बर्ड हो उनके दिल में कम जगह होती है, थ्री चैम्बर्ड में थोड़ी ज्यादा जगह होती है और फोर चैम्बर्ड में बहुत जगह ही जगह होती है, हर चैम्बर में एक दिल देने, एक एक इंसान को बैठा के रखते हैं, इसीलिए ह्यूमन एक बार में बहुत लोगों से प्यार कर सकते हैं, उनके पास चार चैम्बर है, किसी में किसी को रखते हैं, किसी में किसी को रखते हैं और कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता क्योंकि सब सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है मैम, मैं बायो लैंग्वेज में बोलती हूँ कार्डियक, ईसीजी, यार ईसीजी रुक जाओ अभी, ईसीजी बहुत आगे पहुंच गए, पहले ये पढ़ लो। तो ह्यूमंस के चार चैम्बर हार्ट होते हैं, हर चैम्बर में किसी ना किसी को रखे रहते हैं, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज नहीं पढ़नी है, गलत बात है, तुम लोग गलत चीज बुलवाते हो मुझसे। चलो, टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जो स्मॉलर और आपके वर्टिब्रेट्स में होते हैं, जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स एडवांस किए वैसे वैसे नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ते गए, और सबसे ज्यादा चैम्बर किस में प्रेजेंट होते हैं, एव्स और मैमल्स में, दैट इज फोर चैम्बर्ड, दैट इज फोर चैम्बर्ड, ठीक है। चलो टू चैम्बर्ड की बात करें तो हम पाइसिस में देखते हैं, किस में देखते हैं, पाइसिस में, मैम मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, बहुत मेहनत चाहिए बेटा, बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत, एटलीस्ट अपने जीवन के 10 साल तो लगेंगे आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनने में, अब एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद, ठीक है, 5, 5.5 साल का तो MBBS होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, कार्डियक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट अलग अलग चीज़ है, पहले तो ये जान लो कि आपको कार्डियक सर्जन बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ वही BP की गोली देता है कि अरे आपका हाइपरटेंशन है ये खाइए, ठीक है, अरे आपको ये प्रॉब्लम है ये खाइए, सिर्फ क्या कहता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, और कार्डियो सर्जन सर्जरी परफॉर्म करता है, ठीक है, तो सोचो क्या बनना है, और मेहनत करने के लिए तैयार रहो कि अपन 10 साल तक बिल्कुल लगन से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद भी करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक,
फाउंड इन फिशेस, जिसमें एक आर्टरी, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल. एक ही एट्रियम होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा, ठीक है. वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, ठीक है. सर्कुलेशन के दौरान आपका हार्ट क्या पंप करेगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, ठीक है. ध्यान से सुनना, इतना पढ़ते पढ़ते हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ना पड़े. नहीं बेटा, नहीं नहीं अरे बाप रे, नहीं कभी नहीं. हार्ट की बीमारी बहुत मुश्किल, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हार्ट में प्रॉब्लम आई ना तो पूरा बॉडी का सिस्टम हिला देता है वो. हाइपरटेंसिव लोग के साथ इतनी प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है. तो कभी ना करना पड़े. और इतना पढ़ने की, ऐसा पढ़ाई करना ही क्यों जो इतना टेंशन लोगे. ऐसे पढ़ाई, इस तरह से पढ़ाई करने से अच्छा मत पढ़ो, हम सही बता रहे हैं. इतना टेंशन अगर आ रहा है आपको पढ़ाई में कि आपके हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड दिस इज नॉट द ओनली वे, ठीक है. चलो, तो हमारा जो टू चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें एक एक डिफरेंट चीज है ये कि हार्ट में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हमेशा, ठीक है. हार्ट विल ओनली कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ही नहीं इसके पास. इट विल ऑलवेज कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एम आई क्लियर? मैम, लंग्स लंग्स के डॉक्टर नहीं होते बेटा, चेस्ट मेडिसिन होता है. चेस्ट मेडिसिन होता है, दैट इज अ डिफरेंट. अगेन, आपका उसमें भी कोई भी सुपर स्पेशलाइजेशन आपको करना है उसके लिए टाइम तो लगेगा ही, ठीक है. दैट इज चेस्ट मेडिसिन, लंग्स के डॉक्टर नहीं बोलते. पल्मोनरी पल्मोनोलॉजिस्ट आपका अलग होता है, चेस्ट मेडिसिन अलग होता है. इन सब चीजों के बारे में कभी बात करूंगी, आज बात करूंगी तो वहीं रह जाएंगे, फिर ये छूट जाएगा हमारा, ठीक है. पहले ये कर लेते हैं फिर वो बात करेंगे, ओके. चल, तो जो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें हमेशा हार्ट में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. एट्रियम जो लेके आ रहा है वो भी डी ऑक्सीजनेटेड है. वेंट्रिकल जो पंप करके, सॉरी, वेंट्रिकल जो लेके आ रहा है वो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और एट्रियम, ओहो वन सेकेंड, तुम लोग की बात में ना मैं ही घूम गई. जो आपका टू चैम्बर्ड हार्ट है उसमें एक वेंट्रिकल एक एट्रियम है. एट्रियम में हमेशा वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है बॉडी से, और वेंट्रिकल से आर्टरी निकलती है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आगे लेके जाती है और कहाँ पहुंचाती है? गिल्स में, ठीक है. और गिल्स और आपके बॉडी के बीच में कनेक्ट करती है कैपिलरीज, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से उठाती है और आपके बॉडी के टिश्यूज तक, फ्लू आपके सेल्स तक पहुंचाती है, ठीक है. Is it clear? Yes, अब समझना. हमेशा हार्ट में deoxygenated ब्लड रहता है. एट्रियम में वेन लेके आता है और वेंट्रिकल से आर्टरी लेके जाती है, और आर्टरी ले जाने के बाद गिल्स तक पहुंचाएगी ये deoxygenated ब्लड, जहां पे गिल्स इनको ऑक्सीजनेट करते हैं और आपके बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने में मदद करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. यानी आपके बॉडी के हार्ट में से ब्लड एक ही बार जा रहा है, दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन. दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट से एक ही बार ब्लड होके जा रहा है, और जो जा रहा है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. दैट्स व्हाई टू चैम्बर्ड हार्ट को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. जल्दी बताइए, ठीक है. यस, चलो नेक्स्ट है थ्री चैम्बर्ड हार्ट. टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें देखा हमने? पाइसेस में, फिशेस में देखा हमने. थ्री चैम्बर्ड की बात करें तो इट इज सीन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. किसमें बच्चों? एम्फीबियन और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल एक लौता ऐसा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है. इट हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बट अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा बचा है जिसको ये याद ना हो. आई थिंक एवरीवन नोज इट कि क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है. वो वैसे ही काम करता है जैसे हमारा दिल, ठीक है. इसलिए हमारा कनेक्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा अच्छा बैठ सकता है, ठीक है. अब आगे से क्रोकोडाइल को प्यार की नजरों से देखना, क्योंकि उसका दिल हमारी तरह है, समझ गए. तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में आपके यूजुअली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है. दिस टाइप ऑफ हार्ट कंप्राइज ऑफ टू एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. देखो, दो एट्रियम है जो कि सेपरेटेड है और एक ही वेंट्रिकल है बड़ा सा. यहां पे डबल सर्कुलेशन होने की कोशिश करता है, बट
देर इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ठीक है, ब्लड हार्ट में दो बार आता है बट डबल सर्कुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि आपके मिक्सिंग ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है. ब्लड की मिक्सिंग का मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड अलग जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड अलग जाएगा. ठीक है, मैक्रोकोडाइल हमें प्यार से नहीं देखेगा, वो भूख की नजर से देखेगा. समझा देना यार, तुम तो बड़े बड़े लोगों को समझा दो, क्रोकोडाइल को नहीं समझा पाओगे? ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने समझदार था ही मेरे बच्चे. ठीक है, अगली बार उसको पुचकार लेना थोड़ा सा. ठीक है चलो, तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में. करने मत लगना कि मैम ने बोला था तो चल दिए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट? जल्दी बताइए. देखो, कर दिए लव गड़बड़, थ्री चैम्बर्ड पूछा है, कर दिए गड़बड़. इट इज फ्रॉग. आयशा ने भी गलत लिख दिया. इट इज फ्रॉग. फ्रॉग में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है. इट इज एम्फीबियन. एम्फीबियन. चल काउ क्या है बच्चों? चलो आज तुम लोग से पूछते हैं, काउ क्या है? व्हाट इज काउ? इज इट अ रेप्टाइल? इज इट अ एम्फीबियन? व्हाट इट इज? फिश क्या है? पाइसेस है. इसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, टू चैम्बर्ड. इसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, फोर चैम्बर्ड. एंड इट इज अ रेप्टाइल. वाह रे वाह, कौन अकलमंद है ये? रोशनी एनिमल. बेटा बाकी सारे क्या बर्ड्स हैं? बाकी भी तो एनिमल्स ही हैं. इट इज मैमल. यस, विच ऑल्सो हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट. यस चलिए, अब हम आएंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो एप्स में हमारे अंदर देखा जाता है. ठीक है, मैमल्स में देखा जाता है. हम पर्टिकुलरली ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी बोला जाता है, इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है. कैसा है? फोर चैम्बर्ड हार्ट, जो कि आपके ब्लड वेसल और आपके ब्लड कैपिलरी से होता हुआ सर्कुलेट होता है. ठीक है, मस्कुलर हार्ट है हमारा. मस्कुलर हार्ट कहेंगे तो इसमें बहुत सारे कार्डियक मसल प्रेजेंट है, जो कि हार्ट को बनाते हैं. मसल ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियक मसल. कार्डियक मसल को सप्लाई करने वाली कार्डियक वेसल्स होती हैं. ठीक है, कार्डियक आर्टरी होती हैं, जो अपना ही हार्ट को भी खुद को सप्लाई करती है. ठीक है, हार्ट सबको सप्लाई करवा रहा है, लेकिन खुद को कौन सप्लाई कराएगा? उसके लिए स्पेशल आर्टरीज होती हैं, स्पेशल वेसल्स होते हैं, कार्डियक आर्टरीज. ठीक है, जो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड. ठीक है, हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटेड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब चलो क्वेश्चन बताओ. मुझे क्वेश्चन आया है मेरी तरफ से. ठीक है, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, मैं पूछ रही हूँ आपसे. हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? ये मैम ने कई बार पूछा आपसे क्लास में. अगर आपने पहले सेशन अटेंड किया तो डेफिनेटली आपको याद होगा, बट कोई नहीं. हार्ट किस तरफ होता है? स्लाइट आपका हार्ट सेंटर में लोकेटेड होता है, राइट में थोड़ा लोकेटेड होता है, या लेफ्ट में लोकेटेड होता है? नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है. जल्दी बताइए, वेयर इज हार्ट लोकेटेड? थोरैसिक कैविटी में. आई नो दैट. कोरोनरी आर्टरी. अरे हाँ यार, कोरोनरी आर्टरी, सॉरी, कार्डियक आर्टरी मैंने कह दिया. हाँ, द वेसल विच सप्लाइज टू हार्ट इज कोरोनरी आर्टरी. यस, थैंक यू पूजा. स्लाइटली लेफ्ट साइड. सेंटर में होता है बट स्लाइटली लेफ्ट. Slightly left side. हाँ, coronary artery correct है बेटा. चलो, slightly left, 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 center.
तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो व्हेन यू विल डू डिसेक्शन, ह्यूमन डिसेक्शन करोगे जब कैडावर्स पे, तो आपको एग्जैक्टली हार्ट का प्लेस पता चलेगा, विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ योर थोरासिक कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर पे। मीडिया स्टेनम जो आपका स्टर्नम है, इसके जस्ट पीछे आपका हार्ट है, तो सेंटर पे लोकेटेड है, ठीक है, सेंटर पे लोकेटेड है। बट एक प्रॉब्लम है, क्यों लेफ्ट में कहा जाता है? जो हमारा हार्ट है ना, वो सीधा नहीं है, वैसे तिरछा है, ठीक है, इस तरह से कुछ टेढ़ा सा बना हुआ है, तो ऊपर वाला मुंह इसका राइट की तरफ है, ठीक है, ऊपर वाला साइड राइट की तरफ है और नीचे वाला साइड लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट में साइड मुड़ा हुआ है वो ज्यादा कर्व लिया हुआ है, ठीक है तो सेंटर पे, लेकिन जो लेफ्ट कर्व है वो ज्यादा ही लेफ्ट है। यहाँ पे देख सकते हो ना, राइट वाला कर्व छोटा है, लेफ्ट वाला लंबा है, जिसके कारण लोग कहते हैं दिल लेफ्ट में होता, बट ऐसा होता नहीं है, उसका कर्वेचर लेफ्ट की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है? तो कोई सेंटर, हमेशा हमारा हार्ट सेंटर पे ही होता है, मोर देन 60%। चलिए, ओके ओके, चलो। प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, तो ब्लड जो हार्ट की कवरिंग है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा जिसमें आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हार्ट की वॉल को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट में चार चेम्बर होते हैं, दो एट्रिया एंड दो वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आपके एट्रिया एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। एट्रिया को सेपरेट करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम है, क्योंकि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करा, विच इज अ मस्कुलर वॉल, और वैसे ही आपके वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, विच इज अगेन अ मस्कुलेचर, ठीक है, थिक वॉल मसल वॉल होगा जो कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। एक चीज याद रखना, वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल काफी थिक होती है और आर्टरी को सेपरेट करने वाली वॉल कंपैरेटिवली थिन होती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत हैवी होता है, तो उसको पंप करने के लिए हैवीनेस, इतना हैवी कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनमें सेपरेटिंग वॉल भी थिक होती है, ताकि कहीं गलती से फट नहीं जाए, समझ रहे हो? तो इस कारण आपके ये वॉल्स सेपरेट थिन और थिक होती है। मैम, क्या हार्ट अटैक आने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है? बहुत बार बेटा सिम्टम दिखते हैं, जैसे स्वेटिंग होने लगेगी, समझ रहे हो, घबराहट सी होने लगती है पेशेंट को, तुरंत ईसीजी करके आप पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इट्स वेरी रैंडम, पता ही नहीं लगता है, इंसान हंसते हंसते बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है उसको, ठीक है। कई बार पता लग जाता है, कई बार पता नहीं लग पाता, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार पता चल जाए, ठीक है, इसलिए हमेशा हार्ट चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अगर कुछ भी अप डाउन हो रहा है हार्ट में तो वो ईसीजी में दिख जाएगा, ठीक। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर कॉल्ड ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे। अब ये दोनों सेपरेशन मस्कुलर वॉल से नहीं होता है, किससे होता है? आपके फाइब्रस टिश्यू से होता है, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। यहाँ पे आपके मस्कुलर वॉल थी जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट कर रही थी, ठीक है, एट्रिया एट्रिया को, वेंट्रिकल वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली मस्कुलर वॉल, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली फाइब्रस वॉल, ठीक है, कैसी है? फाइब्रस है, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसके बीच में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? वॉल प्रेजेंट रहते हैं। मैम, गर्ल्स को तो नहीं होता है ना हार्ट अटैक, फिर भी चेक कर लेना चाहिए क्या? कौन कहा गर्ल्स को हार्ट अटैक नहीं होता बेटा?
ऐसा किसने बोल दिया आपको? भाई सबको हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स को नहीं आएगा। ये बिल्कुल मुझे नहीं पता आपने कहाँ सुना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, शांति रखो। अभी सारे तरह की डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियक अरेस्ट सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी मत, अभी जो पढ़ाना है वो उस पर फोकस करते हैं। देखो चांस कम होता है नहीं होता, बट हो सकता है ना, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हमें नहीं होगा तो हम चेक नहीं करेंगे। होता है आजकल मैक्सिमम डेथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इट्स मैक्सिमम डेथ हार्ट अटैक से होती है, आपको भी पता है। तो ये नहीं सोच के अब रखना है कि फीमेल में कम होता है तो हमें क्यों होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। ठीक, चलो। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, जो एट्रियो वेंट्रिकल आपके सेप्टम है, वो एक वॉल से गार्डेड है। उस वॉल को हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, जो कि तीन मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ है। ठीक है, साइड में फाइब्रस टिश्यू है और बीच में आपके वॉल प्रेजेंट है, जो कि तीन मस्कुलर फ्लैप से बना है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। ऑन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल साइड, वही लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम साइड आपके अगेन वॉल्व होता है, जो कि दो ही मस्कुलर फ्लैप से बना है, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी होता है। ठीक है, मिट्रल वॉल्व भी होता है। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं हार्ट का अपने पेन अपने कॉपी में, तो हमेशा जो आपका राइट होता है वो आपके डायग्राम का लेफ्ट बन जाता है, जो आपका लेफ्ट होता है वो डायग्राम का राइट बन जाता है, क्योंकि हम हार्ट को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे अंदर होता तो कैसा होता, इसलिए इट्स अ मिरर इमेज। ठीक है, इट्स अ मिरर इमेज। ठीक, चलिए। ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा इज रेगुलेटेड बाय सेमी लूनर वॉल्व। अब ध्यान से सुनना, एक वॉल्व हमने पढ़ा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक वॉल्व पढ़ा हमने लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, दैट इज बाइकस्पिड वॉल। इसके अलावा जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है और एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में डालता है, उस समय उनके अंदर भी आपके वॉल्स प्रेजेंट है, जिसको हम सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। क्यों सेमी लूनर होते हैं? क्योंकि हाफ मून शेप्ड होते हैं। अगर ये वेसल्स हैं तो वॉल्व कैसे होंगे? इस तरह के सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, हाफ चंदा की तरह ये वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमी लूनर वॉल्व्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो तीन तरह के वॉल्व पढ़े हमने, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, क्लियर है या नहीं? अभी मैं नाम लूंगी, बाद में कोई कंफ्यूज नहीं होगा ना। बताओ, जल्दी बताओ। यस, तो चलो मुझे फटाफट बताओ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? जल्दी बताइए, नेम ऑफ द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज, अरे यहां पे छोड़ दो, अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो आयशा, सेमी लूनर कहां से आ गई बेटा? इट इज मिट्रल वॉल, इट इज बाइकस्पिड वॉल। वेरी गुड, इट इज बाइकस्पिड वॉल। सेमी लूनर वॉल्व आपका एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में होता है, जो कि वेसल्स है। सेमी लूनर वॉल हमेशा वेसल्स में प्रेजेंट रहेगा, हार्ट में कभी भी नहीं प्रेजेंट रहता, याद रखना अब ये चीज। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल। अब चलो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल इज विदाउट वॉल्व? विदाउट वॉल्व, इट इज, इट इज आर्टरी। क्यों? व्हाई आर्टरी डजंट हैव वॉल? चलो बताओ, किसी को भी समझ में आ तो। पल्मोनरी आर्टरी का दूसरा नाम पल्मोनरी एओर्टा है,
विच इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। अभी मैंने बोला सेमी लूनर वॉल पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेजेंट होते, तो यहां तो होंगे। हाई ब्लड प्रेशर, वेरी गुड वेरी गुड। वेन में होते हैं ताकि बैक फ्लो नहीं हो पाए। सेमी लूनर वॉल का मतलब क्या है? ताकि वो बैक फ्लो से बचा पाए आपके वेसल्स को, पीछे की तरफ वापस से ब्लड नहीं जाने लगे। ठीक है, आर्टरी में क्यों नहीं प्रेजेंट होते? क्योंकि आर्टरी में ऑलरेडी वेंट्रिकल इतने फोर्स से पंप कर रहा है ब्लड को कि आर्टरी में वैसे ही ब्लड पंप हो जा रहा है, इसको जरूरत ही नहीं है कि इनमें बैक फ्लो हो भी सके, क्योंकि इतना तेज एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि इतना तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक, चल, वॉट इज दी ओपनिंग बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल नोन एज? राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वॉट इज इट नोन एज नहीं सॉरी, जल्दी बताइए। इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल, वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो वॉल्स का काम क्या है? कि आपके हार्ट में फ्लो कराना ब्लड को एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में फ्लो कराना। वॉल का काम यही है कि वो किसी भी तरह से बैक फ्लो को बचा देता है। एंटायर हार्ट जो होता है वो मसल से बना है, जो कि कार्डियक मसल कहलाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेवर टायरिंग मसल, नेवर टायरिंग मसल। क्योंकि अगर ये टायर्ड हो गई तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि ये पंप करा रही है आपके हार्ट को बार बार। इसके अलावा आपके कार्डियक मस्कुलेचर में आपके नोडल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, जो एक्साइटेशन आपके एक्साइटेशन को इम्पल्स के फॉर्म में कंडक्ट करा रहे हैं आपके पूरे हार्ट में, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, बीट कर पाए। ठीक है, तो नोडल टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है, बिना इनके आपके कभी भी इम्पल्स क्रिएट ही नहीं होगा, एक्साइटेशन क्रिएट ही नहीं होगा आपके हार्ट में टू डू दी पंपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, ये नोडल टिश्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करा दूं आज? बताओ, नोडल टिश्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करा दूं? थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैठोगे ना? हाँ बेटा, कार्डिक मसल में बैक्टीरिया प्रेजेंट, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं डेफिनेटली। ठीक है, चलो आ जाओ फिर, आओ आओ करते हैं फिर। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नोडल टिश्यू होते हैं। पहला नोडल टिश्यू है साइनो एट्रियल नोड, जिसको एसए नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसए नोड। नीचे डायग्राम में ध्यान देना, यहाँ पे है आपका एसए नोड, दिस इज दी एसए नोड। ठीक है, एसए नोड का काम क्या होता है? एसए नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये इंपल्स जनरेट करने में मदद करता है। इंपल्स जनरेशन का काम एसए नोड करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। कहां प्रेजेंट होगा? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? एसए नोड प्रेजेंट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो आपका नोड होता है वो वही आपके राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है, लेकिन टुवर्ड्स दी लेफ्ट लोअर कॉर्नर। ठीक है, एक राइट अपर कॉर्नर में है एसए नोड, वही राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे एक और नोड प्रेजेंट होगा, जिसको हम एवी नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बहुत पास है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इज इट क्लियर? तो दो तरह के नोड है, दोनों ही राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, एक राइट अपर कॉर्नर में, दूसरा लेफ्ट लोअर कॉर्नर में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं हार्ट का, ठीक है, ये चार सेप्टा है मान लो, अलग कर दिए हमने। यहां पे जो प्रेजेंट है वो एसए नोड है, और यहां पे जो प्रेजेंट है वो एवी नोड है। दिस इज एसए नोड,
ठीक है, और ये है आपका एवी नोड, समझे? ऐसे समझ लो, ठीक है, दिस इज एस ए नोड एंड दिस इज एवी नोड, ठीक, एक ही सेप्टा में है। अभी बताएंगे सबका फंक्शन बताएंगे, रुक जाओ, क्वेश्चन करो फटाफट, सबका फंक्शन बताएंगे, डोंट वरी, बिना फंक्शन बचाए किसी का काम नहीं पूरा होगा। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर सेपरेट एट्रिया ऑफ हार्ट, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर सेपरेट एट्रिया ऑफ हार्ट, इट इज एट्रिया को कौन सेपरेट कर रहा है आपके सेप्टम, इट इज ए मस्कुलर सेप्टम, मस्कुलर एट्रियल सेप्टम। चलो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एस ए नोड, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एस ए नोड, लोकेशन ऑफ एस ए नोड इट इज राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, क्लियर है? यस। चलिए अब हम नोडल टिश्यू की वर्किंग देखेंगे, कैसे काम कर रहा है हमारा सारे नोड्स, सारे नोडल सिस्टम। एवी नोड आपका कहां पे था? राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। इस एवी नोड से एवी बंडल अराइज करते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ आपके फाइबर्स अराइज करेंगे, राइट, जो कि आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पे एस ए नोड है, ये रहा, दूसरा पेन ले लेते हैं कलर, ये रहा एस ए नोड, ये आपका एवी नोड से कनेक्टेड होगा, फिर एवी नोड आगे बंडल के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ये देखो बंडल के फॉर्म में बढ़ रहे हैं, जो बंडल आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में बढ़ रहा है उसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, इज इट क्लियर? ये बंडल ऑफ हिस एक बंडल की तरह आगे बढ़ता है और आगे जाके दो बंडल में सेपरेट हो जाएगा, एक बंडल इधर, एक राइट और एक लेफ्ट बंडल, ठीक है, आपके दो बंडल में, दो फाइबर के बंडल में सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और ये फाइबर राइट और लेफ्ट वाले पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं आगे चल के, ठीक है, ये देखो पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करेंगे, इस सप्लाई को जो पूरे वेंट्रिकल पे जा रहा है इसको हम परकिंजी फाइबर कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? परकिंजी फाइबर कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? परकिंजी फाइबर। द ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड आर नोन एज परकिंजी फाइबर्स, आर नोन एज परकिंजी फाइबर्स, ठीक है, जो आपके बंडल आपके एवी एवी सेप्टम से होके जा रहे थे लेफ्ट एंड राइट, उसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, उसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलिए फिर से समझेंगे एक बार, फिर से समझेंगे अपन, चलो देखते हैं कैसे, आओ फटाफट से एक बार और समझें। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें सेप्टम बना देते हैं, ठीक है, यहां पे क्या है? एस ए नोड है, दिस इज एस ए नोड, ठीक, यहां पे एक और नोड है जिसको हम एवी नोड कहते हैं, एवी नोड, ठीक है, यहां से आगे बढ़ेगा आपके क्या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे, दूसरे कलर से ले लेते हैं, यहां पे आपका बढ़ेगा बेटा, एक मिनट, पेन ही चलना बंद हो गया मेरा तो, देखो यहां पे
पेज ही चला गया। ठीक है, ठीक है, एसए नोट, एवी नोट, यहां से आपके बंडल्स रन करेंगे। ये बंडल आगे चल के दो में आपके डिफरेंशिएट हो जाएंगे, दो में डिफरेंशिएट होके मस्कुलेचर को आपके पूरा सप्लाई करेंगे, इधर से भी निकलेंगे इधर से भी सप्लाई करेंगे सबको। ठीक है, यहां पे मेंशन कर देंगे अब एक एक चीज क्या है। दिस इज एवी नोट, दिस इज एसए नोट। ओहो, वेट 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 वेट, ओहो व्हाट एम आई डूइंग। दिस इज एसए नोट, दिस इज एवी नोट। ओके, ये आपका बनेगा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और फाइनली ये आपके ट्रिब्यूटरीज देगा जिसको हम परकिंजी फाइबर कहते हैं, परकिंजी फाइबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस फाइबर को जो यहां से अराइज करेगा इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइबर कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइबर, जो कि आगे जाके बंडल ऑफ हिस बनाता है, जो कि बंडल ऑफ हिस बनाता है। इस तरह से पूरा नोडल सिस्टम काम करता है। अब देखो कैसे काम कर रहा है। यहां पे आपके एसए नोड क्या इंपल्स जनरेट करता है, एक्साइटेशन जनरेट करता है, एक्साइटेशन जनरेट करता है, तो एक्साइटेशन जंप करके आपके एवी नोड पे पहुंचती है। ठीक है, एक्साइटेशन जंप करके एवी नोड पे पहुंचती, एवी नोड से आपके बंडल ऑफ हिस पे जाएगी, फिर पूरे आपके परकिंजी फाइबर पे सप्लाई करेगी, जिससे ओवरऑल आपके वेंट्रिकल का, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये और ये मिलके एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। एसए नोड प्लस एवी नोड मिलके आपके एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। ठीक है, और बाकी बंडल ऑफ हिस, परकिंजी फाइबर, ये आगे इंपल्स ले जाके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इज इट क्लियर? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में लार्ज सप्लाई ऑफ फाइबर्स चाहिए रहता है नोड्स, क्योंकि वास्कुलेचर वॉल इसकी बहुत थिक है, इसको ओवरऑल कंडक्शन पास करने के लिए बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज की जरूरत पड़ती है। अभी सही है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? यस, चलिए तो यहां पे देखो, ऐसे नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। कितना एक्शन पोटेंशियल? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, 70 से 75 बार हर मिनट नॉर्मली। अगर आप तेज तेज भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, तो वही इंपल्स आपका एक्शन पोटेंशियल तेजी से जनरेट करेगा और आपका हार्ट रेट भी हाई हो जाएगा। इन नॉर्मल कंडीशन 70 to 75 टाइम्स पर मिनट आपका एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड पे जनरेट होता है। एक बार ये जनरेट हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि पूरा कॉन्ट्रैक्शन आपके इनिशिएट करके एंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंचाए। ठीक है, एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। कई बार ऐसा होता है एसए नोड की फंक्शनिंग गड़बड़ होने लगती है, एसए नोड की फंक्शनिंग खराब होने लगती है, तब पेस मेकर आपके रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता है, जिसमें पेस मेकर एसए नोड को हटा के एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, जो बिल्कुल एसए नोड जैसा काम करता है। तो इसीलिए जो हार्ट पेशेंट का पेस मेकर ऑपरेशन होता है, उनको बहुत सेंसिटिवली आपके काम करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अब एक मशीन लगी हुई है विच इज एक्चुअली वर्किंग। वो अब कोई नेचुरल चीज नहीं लगी है, उनको बहुत सी चीजों से आपके दूर रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है? 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। चलो क्वेश्चन करो फटाफट। विच ऑफ दीज इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, पेस मेकर ऑफ हार्ट, इट इज एसए नोड। यस, इट इज एसए नोड।
हाँ 72 एवरेज होता है, बिल्कुल लव। चलिए अब बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? हार्ट अटैक सर्जन में क्या होता है? हार्ट अटैक सर्जन? बेटा हार्ट अटैक दिलाने के लिए कोई सर्जन नहीं होता, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, पेसमेकर आपकी उसी फ्रीक्वेंसी पे बनाई जाती है जिस पे ऐसे नोड बनता है, लेकिन डेफिनेटली पेसमेकर के साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन किए जा सकते हैं, तो उनको रेज, कुछ आपके ऐसे हार्मफुल रेज वगैरह से बचा के रखना होता है, नहीं तो पेसमेकर खराब हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में दूर रखना पड़ता है उन्हें, समझो ये सारी चीजें उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि है तो वो मशीन ही ना, कोई नेचुरल सिस्टम नहीं है ना। सौम्य कौन है ये? सुमेला खान बेटा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में सारे हार्ट डिजीज करेंगे, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आज हमने इसके बारे में बात ही नहीं की है, ये नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है, लास्ट सेशन का, ठीक है? तो लास्ट सेशन मंडे को होगा, उस दिन जरूर अटेम्प्ट करना, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ओके चल, चलो बाकी कंपीट में सब लोग रजिस्टर कर लेना, और आज तो आपका अनसेट आ ही गया है, तो अनसेट जरूर दे देना, ठीक है? अनसेट आज और 15 अक्टूबर को हो रहा है, तो डेफिनेटली गिव इट, अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट रजिस्टर कर लो। कोड आपको साक्षी100 यूज करना, इससे आपको 15 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है? टॉप जो बच्चे रहेंगे 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्पेशल रैंकर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, यूरो स्पेस सेंटर की भी ट्रिप जीत सकते हो। तो 8 और 15 यानी आज और 15 अक्टूबर को ये टेस्ट हो रहा है, और बच्चे जो 11 12 के साथ अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, कि अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर का कोई भी नीट प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सीबीएसई प्लस को क्लब करके एक बहुत ही अच्छे ऑफर प्राइस में दिया जा रहा है, और ये ऑफर प्राइस मिलेगा आपको आफ्टर यूजिंग द कोड साक्षी100, जिससे आपको ये ऑफर प्राइस मिलेगा, उसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके साथ रहेगी। अर्जुना बैच लाइव हो चुका है कल से, तो नया बैच अभी ऑन हो चुका है, अभी आप फ्री भी अनसेट में रजिस्टर करते हो तो फ्री 15 डेज का ट्रायल भी मिल रहा है, तो आप बैचेस में बैठ के चेक भी कर सकते हो हाउ द स्टडी इज गोइंग ऑन, ठीक है? बाकी ऑफलाइन जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट है, ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन ऑनलाइन एडवांटेज भी दी जा रही है, कि सारे ऑफलाइन के रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, एक मेंटोर दिया जाएगा, और लाइब्रेरी सेटअप करके दी जा रही है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आ पाए। यहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना है, आपको एनरोल करना है, तो आपको कोड साक्षी100 यूज करना होगा, ठीक है? अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन आपके लिए आ गया, जिसमें आपको 5,554 रुपीज में 32 टेस्ट मिलेंगे और 12 प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, जो आपके घर पे डिलीवर कराई जाएंगी। अगेन आपको इसके लिए भी कोड यूज करना है साक्षी100 टू गेट एट दिस ऑफर प्राइस, ठीक है? कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, दे विल गाइड यू कि कैसे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है? क्रिएशन बेटा मैंने अभी आपको बताया, और आप क्लास में बैठे हैं ना, कि बेटा नेक्स्ट सेशन में हर डाउट क्लियर करेंगे, कौन सा पार्ट डैमेज होता है, कोई हार्ट अटैक में कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं डैमेज हो सकता, हार्ट अटैक किसी भी पार्ट में आपके हो सकता है, कैसे होता है मैं बोल रही हूँ ना, नेक्स्ट सेशन तक थोड़ा वेट कर लो, नहीं होगा तो आज जाके अपनी एनसीईआरटी पढ़ना, मंडे को मैं पढ़ाऊंगी तो उस चीज को समझ लेना एक बार, ठीक है? तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके? जितना आज पढ़ाया है वो एनसीईआरटी से जाके पढ़ना है, जरूर से पढ़ना है, पीछे का बैकलॉग नहीं बनाना है, अब एनसीईआरटी से साथ साथ पढ़ लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है? क्लियर है? ओके चलिए तब सेशन एंड करते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइक एंड शेयर दिस सेशन, और 3 PM हम ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज पे सेशन लेने वाले हैं, तो उस सेशन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ओके? चलिए, हाँ लेक्चर खत्म, 9 AM शुरू होता है बेटा, चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।